हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भवती स्त्री के जब 37 से 40 सप्ताह की होती है गर्भावस्था होती है तो उनका बेबी का जो पोजीशन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक तो आपने पोजीशन सुना होगा जिसको नॉर्मल पोजीशन कहते हैं, जिसमें सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, और एक होता है जिसमें पैर नीचे होता है और सर ऊपर, जिसको हम ब्रिज पोजीशन कहते हैं। ब्रिज पोजीशन क्या होता है? ब्रिज पोजीशन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाली हूँ। और बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि क्या ब्रिज पोजीशन होने के बावजूद हमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और मेरी प्रेगनेंसी की बात भी मैं आपको बताऊँगी कि मेरी डिलीवरी हुई थी 42 वीक्स में एंड मेरा बेबी ब्रिज पोजीशन में ही था और मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी, तो रीज़न क्या था मैं सब आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। गर्भ में बच्चा अपनी पोजीशन हमेशा बदलता रहता है, खासकर 4 से 5 महीने 6 महीने तक गर्भ में अपनी पोजीशन को बदलता रहता है, क्योंकि उस समय वो अच्छे से घूम फिर सकता है। हमारे जो टमी है उसमें उसको स्पेस मिलता है, वो आराम से अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे की बॉडी डेवलप होती है तो हमारा टमी का जो साइज़ है ना वो छोटा होने लगता है, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाता। अब जब वो 37 से 40 वीक में जाता है तो बच्चे की पोजीशन अगर नीचे सर और ऊपर पैर है तब तो ठीक है, अगर नीचे पैर और ऊपर सर है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, जो ब्रिज पोजीशन कहलाती है। हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम में जो ब्रिज पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन में हो जाती है, बच्चे नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। मैं बता दूँ कि बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि क्या ब्रिज पोजीशन में हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो ब्रिज पोजीशन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है और इस समय बच्चों को ऑक्सीजन की भी कमी का खतरा हो सकता है। इसके अलावा बच्चे की जो गर्भनाल होती है वो भी उसके गले में लपेट जाती है और उसका दबाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि बच्चे की ऑक्सीजन बंद होने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हमेशा सी सेक्शन की सलाह देते हैं। मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है ब्रिज पोजीशन में। भी को बता दूं कि क्यों ब्रिज पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि बच्चों का सिर बहुत बड़ा होता है शुरुआत में और उसके अकॉर्डिंग धड़ छोटा होता है, इसलिए प्रसव के दौरान कोई अनहोनी ना हो इसलिए डॉक्टर हमेशा सी सेक्शन की सलाह देते हैं। आप इसको अल्ट्रासाउंड के जरिए जाँच कर सकते हैं, जाँच के दौरान जो है बच्चे की पोजिशन का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अल्ट्रासाउंड कराने के डॉक्टर सलाह देते ही हैं। क्रिटिकल कंडीशन होने पर 2 सप्ताह के अंतराल में भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि ब्रिज पोजीशन में ऐसा नहीं है डॉक्टर उसको नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश नहीं करते, डॉक्टर हमेशा 37 से 40 वीक के बीच में कोशिश करते हैं कि जो शिशु है वो ब्रिज पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। और अगर किसी महिला को डायबिटीज या ब्लीडिंग या किसी भी तरह की और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है तो 50% केस में यह सही भी हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। लेकिन अगर बच्चा नहीं नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है नॉर्मल पोजीशन में तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। और इसके अलावा बच्चा या पहले वाला बच्चा यदि सीजेरियन से हुआ है तो भी इसकी सलाह नहीं दी जाती है। हमेशा ब्रिज कंडीशन के बेबी की डिलीवरी करते समय हमें एक्सपर्ट डॉक्टरों का ही सहारा लेना चाहिए, उन्हें पता होता है कि बच्चे का जो सिर है वो कैसे सही रहेगा, कैसे निकालना चाहिए, बच्चे के सिर हाथ पांव को कैसे निकालना है, उनकी नाल को कैसे निकालना है, उसकी हार्ट बीट को कैसे सही करनी है। उसके हार्ट बीट पर डॉक्टर हमेशा नज़र रखते ही रखते हैं और साथ ही इस तरह की कंडीशन में डिलीवरी से पहले इस शिशु रोग विशेषज्ञ को वहाँ पे जरूर मौजूद रहना चाहिए। तो डिलीवरी से पहले आप इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल एंड अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट जरूर हो जो आपके बच्चे की सही से चेकअप कर पाए।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू।